हमने सोचा आज थोड़ा सुबह सुबह आप लोगों को दिखा दें इधर उधर का सीन। मैं गई थी पतिदेव को छोड़ने, फिर आई हूँ तो यही है सब। और कैसे हैं सभी? हम तो बहुत अच्छे हैं। देखिए फिर आ गए हैं हम अपने जो नया नव निर्माण के पास में। तो चलिए देखिए क्या क्या दिखाते हैं आज। मन हुआ कि कहाँ बनाएं तो थोड़ा सा यहाँ मन किया चलते हैं, यहाँ अच्छा लगता है, खुले खुले में अच्छी मतलब अच्छी रोशनी आती है। तो राम राम प्रणाम, हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग में आज क्या है, बहुत बिना मसाले के बिना तेल के आपको फर्स्ट क्लास बाटी चोखा खिलाते हैं। और स्पेशल चीज़ का चोखा है, वो चोखा कैसा है चलिए फिर टेस्ट करके बताइए काहे चीज़ का बना है। ये तो हम नहीं बताएंगे, ये तो आप लोग बताएंगे ना। तो समझ लीजिए कि न तेल लगा है न तो मसाला लगा है, चोखा भी रेडी, बाटी भी रेडी और फर्स्ट क्लास टेस्ट, इतना बढ़िया टेस्ट आया है। तो चलिए धन्यवाद प्रणाम मेरा वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपना प्यार आशीर्वाद देना ना भूलिएगा। सुनीता उपाध्याय ब्लॉग का सपोर्ट बराबर करते रहिए। तो धन्यवाद प्रणाम, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। राम राम सभी को। तो ये हमारे पास आधा किलो परवर है, आधा किलो से ज़्यादा परवर है। आज इसका ये एक यूनिक चीज़ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कुछ अलग हटके बनाएंगे जो अभी तक हम अपने ब्लॉग में कभी बनाए नहीं थे, तो आज उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले परवर को अच्छे से धुल लेंगे, धुल करके साफ करके फिर ये किनारे किनारे को इसके काट देंगे। काटने के बाद चलिए फिर बताते हैं काटने के बाद अब हमें क्या करना है। तो हमने इस परवर को पूरा तरीके से देखिए साफ़ कर लिया है और एकदम फ्रेश परवर है, ताज़ा मैं ले आई थी। तो अब इसको क्या काम करेंगे, कुकर में डाल देंगे, सीधे कुकर में डालेंगे। बहुत ही टेस्टी बनने वाला है या जो कुछ भी बनेगा, जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है। अभी मैं फर्स्ट टाइम खुद ट्राई कर रही हूँ, पर मैं मतलब एक दिमाग से लग जाता है, इमेज कर लेती हूँ कि हाँ ये चीज़ ऐसी बनेगी, तो उसी बेस पे हम बना लेते हैं। तो पूरे परवर को हमने डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आधा कप से कम पानी है, इसको डाल देंगे ताकि कुकर सीटी हमारी ख़राब ना हो, सेफ्टी वाल ना उड़ जाए। तो पानी जब भी कुकर लगाएं थोड़ा पानी डाल के ही लगाएं, नहीं तो सेफ्टी वाल इसके उड़ जाएंगे। अब इनको एक सीटी जो है पूरा इनको हमें पका लेना, केवल एक सीटी देना है दोस्तों, एक सीटी में परवर हमारा गल जाएगा। फिर चलिए मेरे वीडियो को देखना ना भूलें, प्यार दुलार देना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बिल्कुल अलग तरीके से कुछ बनाएंगे। तो क्या है, फिर हमने मिट्टी का अपना बर्तन चढ़ा दिया है और ये भरावन के लिए काफ़ी दिनों से चना मेरे पास रखा था, उसी चने का छिलका उतार के हमने पीस लिया। और भरावन के लिए लहसुन प्याज अदरक मिर्चा अजवाइन मंगरेल और अचार वाला तेल डाल के तैयार कर लिया है, क्योंकि नींबू नहीं था तो हमने कहा अचार वाला तेल डाल देते हैं, थोड़ा खट्टा हो जाएगा। ये बन गया, अब इसके बाद बताते हैं आपको। इधर मेरा आटा लग चुका है, रेडी है, तो चलिए फिर फटाक से इसको बनाते हैं। क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताते हैं आगे। तो आटे की हम इस तरीके से ढेर सारी चकई बना लेंगे, थोड़ा तगड़ी तगड़ी बनाएंगे। अब इसको ऐसे करके खूब हम भर लेंगे दबा दबा के, जितना मतलब जितना आप भर सकें, कोई ज़रूरी नहीं ज़्यादा भी भर सकते हैं कम भी भर सकते हैं, जैसा आप अपने टेस्ट के हिसाब से भर लें। ऐसे करके इनकी बाटी बना दें, ऐसे एक एक करके बना बना के रखते चलेंगे सभी को। तो हमने सारी बाटी को बना लिया है, अब हम क्या काम करेंगे। पानी दोस्तों देखिए हमारा गर्म हो चुका है, ठीक ना, अब इसी पानी में हम सभी अपनी बाटी को डाल देंगे धीरे धीरे करके। थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, पानी थोड़ा और गर्म हो फिर और डालेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको देख लेंगे कि कहीं चिपक तो नहीं रही है, जबकि मैंने तेल वगैरह नहीं डाला, चिपक नहीं रही हमारी एक भी बाटी। तो थोड़ा इनको हिला देंगे और इसके बाद में अब हम दूसरा भी रखेंगे, तीसरा भी रखेंगे, ऐसे ऐसे करके हम सारी बाटी अपनी डाल देंगे और इनको खूब अच्छे से होने देंगे। आप चाहो तो यहाँ पकने के बाद निकालने के बाद फ्राई कर लो, चाहे ओवन में डाल लो, आपकी मर्जी। तो अब इसको हम ढक देंगे ताकि खूब अच्छे से और पके। तो दोस्तों मेरा जो है परवल पक गया है खूब अच्छे से, अब इनको हम सबको निकाल लेंगे।
ये हमारा परवल बिल्कुल से एकदम देखिए खूब अच्छे से उबल गया है। अब इनको अच्छे से हम खूब बढ़िया मैश करेंगे। पहले खूब बढ़िया से हमने मैश कर लिया है दोस्तों। अब इसमें क्या क्या मिलाना है वो आपको हम दिखा रहे हैं। हम हाथ से ही मैश करते हैं भाई, शुद्ध देहाती आदमी। अब इसमें डाल लेंगे मिर्चा, हरा मिर्चा, फिर इसमें कटी हुई लहसुन डाल लेंगे, फिर इसमें हम कटा हुआ अदरक डाल देंगे, फिर इसमें हम ये कटे हुए प्याज को डाल देंगे, फिर इसमें हम कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, और इसमें हम डालेंगे अपने स्वाद अनुसार नमक, और इसके बाद हम डालेंगे जो सब चोखा है या सब्जी या जिसमें सोखियत लाने वाला शुद्ध सरसों का तेल। हरी धनिया है नहीं दोस्तों, अगर हो तो डाल लीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं। फिर इनको खूब अच्छे से हम एक दूसरे में मिला लेंगे। तो दोस्तों मेरा परवल का चोखा बिल्कुल से रेडी है खाने के लिए। फिर चलिए किस चीज़ से खाना है उसको बता रहे हैं हम आप लोगों को। तो अब देखते हैं हमारा पार्टी कैसा हो रहा है। बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास पक चुकी है मेरी बाटी, सब ऊपर आ गई। देखिए अपने आप पानी में तैरना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब है कि मेरी बाटी पक चुकी है सब अच्छे से। यकीन मानिए बहुत टेस्टी होती है, और इसको चाहे तेल में आप तल लें चाहे ओवन में डाल दें। तो हम तो तेल में नहीं तलेंगे क्योंकि तेल इधर पूरी पराठा बहुत मन उब गया है, तो हम सीधे सीधे इसको ओवन में डालेंगे। अब इसको निकाल लेंगे, हम गैस को बिल्कुल से बंद करेंगे, सभी को बारी बारी करके निकाल लेंगे इसमें से। ऐसे फूले फूले बड़े बड़े हो गए हैं खूब। फिर इस तरीके से सभी को इस पे रख लेंगे। तो पूरा ऐसे हमने सेट कर दिया दोस्तों। अब इसको लगाएंगे ओवन में। इसे ऑन कर देंगे। तो बाटी देखिए हमारी सीज रही अच्छे से, और भी टेस्टी हो जाएगी। बिल्कुल रेडी होने वाला है बाटी, बिल्कुल से एकदम से तैयार है हमारी। देखिए तो हमारा खाना दोस्तों बिल्कुल रेडी है। किसे किसे पसंद आया बताने का कष्ट करिएगा। तो ये हमारा करेले की भुजिया हो गई, ये हमारा परवल का चोखा हो गया, रोटी हो गई, बाटी हो गई, ये मिर्चा करौंदे का अचार हो गया, दाल हो गया। तो हमारा आज का भोजन यही है। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।